हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हमारे एटम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट के लिए डिफाइंड होता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। होता क्या है ये समझ लेते हैं। हमें पता है कि एक एटम में तीन चीजें होती हैं। एटम में अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जाएं तो तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है, हमें ये भी पता है। और हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि एटम न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? एटम इज न्यूट्रल। जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो देखो, ये तो न्यूट्रल होता ही है। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव और ये होते हैं नेगेटिव। तो जब एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब एटम का है अपनी आइडियल कंडीशन में होती है, ये न्यूट्रल में होता है। क्लियर हो गया? तो इसी के हिसाब से अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर होता क्या है, बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम एट न्यूट्रल स्टेट। जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है, बेसिकली क्या होता है, एटम जो होता है जब कंपाउंड बनाता है, जैसे मॉलिक्यूल बनाता है, तो उससे पहले हमने बात करी थी आयंस बना लेता है। वो एटम्स क्या बनाता है? आयंस बना लेता है। जैसे सोडियम मेटल है Na, ठीक है, लेकिन जब उसको कंपाउंड बनाना है तो बनाएगा Na+, आयंस बना देगा, Na+ बना लेगा। तो इस टाइम पे जब ये Na+ बना दिया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। हम इस वाले की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जब सोडियम अपनी ग्राउंड स्टेट या न्यूट्रल स्टेट में था, जब उसमें उसने ना ही अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना ही उसने कोई एक्सेप्ट किए हैं, तब की बात में हम करें। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, या तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो या तो प्रोटॉन देख लो, होते दोनों सेम ही है जब न्यूट्रल स्टेट में होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को कौन बताता है? एटॉमिक नंबर। आपको किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक नंबर अगर पता है तो आप ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एट अ न्यूट्रल स्टेट। एट अ न्यूट्रल स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे हम, समझ आ गया ना? वो कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, आयनिक फॉर्म में नहीं बात करेंगे। जब आयंस बन गया वो फॉर्म नहीं बोल रहे, न्यूट्रल स्टेट। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां समझ आ गया होगा एटॉमिक नंबर होता है जेड से रिप्रेजेंट होता है और ये क्या शो करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? ये तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट जो होता है हमारा, दैट इज एटॉमिक मास नंबर। क्या होता है नेक्स्ट टर्म जो है हमारी? दैट इज एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ किसका है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। बेसिकली मास नंबर क्या होता है आपको समझना है। एटम है, एटम के सेंटर पे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, हाँ है ना? तो हम अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दें, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं प्लस कितने न्यूट्रॉन हैं, उन दोनों को जोड़ दे तो वो क्या देता है? एटॉमिक मास नंबर देता है। क्लियर हो गया?
तो ये एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी अगर आपका एटम है उस पर दो नंबर डिफाइंड होते हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर शो करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स है उसके अंदर, और एटॉमिक मास नंबर शो करता है कि कितने न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, क्लियर, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 11 इक्वल टू 11 11 के बराबर है, एंड मास नंबर कह लीजिए, एटॉमिक मास नंबर कह लीजिए, एंड मास नंबर इक्वल टू 23। हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, थर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये तीनों चीजें बतानी है क्या हो, कितनी कितनी है। तो देखिए हमारे पास इसको कैसे करते हैं, इसको समझ लेते हैं। एटॉमिक नंबर Z कितना है हमारा 11, और एटॉमिक मास नंबर है A है आपका 23। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। जो आपका Z होता है ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इक्वल टू प्रोटॉन्स है, इक्वल टू कितने हो जाएंगे 11। जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एटम क्या है, न्यूट्रल होता है, तो और वो रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो ये आपका एटॉमिक नंबर दिखाता है नंबर ऑफ एटम्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो इस तरीके से आपका निकल गया जेड, ठीक है। जेड से आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक प्रोटॉन निकल गए, एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगला आता है न्यूट्रॉन की बारी। हमें पता है ए जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। तो ए है हमारा 23, प्रोटॉन अभी हमने निकाला 11, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे n, माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 23 में से 11 गया 12 न्यूट्रॉन। कितने आ गए न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन से आपके 12, इलेक्ट्रॉन से आपके 11, प्रोटॉन है आपके 11। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जेड है उसका आप एलिमेंट का 40, ज्यादा लेते 20, और आपका ए है आपका 40। तो बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। ये जनरली कैल्शियम होता है, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम मतलब 20 नंबर के एलिमेंट आता है, उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक मास नंबर 40 होता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन देख लेते हैं। जेड है तो सीधा लिख दे रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की वैल्यू, जेड ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को दिखाते हैं, जितना वैल्यू है जेड का उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया होगा। अब आते हैं न्यूट्रॉन की बारे में, आते हैं न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन आपको देखना है तो क्या होगा, न्यूट्रॉन के लिए a माइनस जेड, a में से z माइनस कर दो तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, वो भी 20 है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के तीनों यहां पे कितने हैं, 20 है, समझ आ गया होगा, क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको आप पहले खुद ही लीजिए। z है हमारा इस बार 18,
ए है हमारा 40, ये है हमारा आर्गन आर्गन एलिमेंट है, उसके लिए हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन तीनों ही निकालने हैं, ठीक है। पॉज करिए वीडियो, खुद सॉल्व करो, फिर आप हम सॉल्व करते हैं, आप चेक करना सही है या नहीं है। क्लियर आ गया होगा वैसे। जेड कितना है, जो ई होता है वो जेड के बराबर होता है 18, प्रोटॉन भी कितने जेड के बराबर होते हैं 18। न्यूट्रॉन की बारी आती है, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, ए में से जेड माइनस कर दिया, 40 में से 18 गया, आपका कितना आ गया 22, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं 22। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। क्लियर, अब इन दोनों से ही रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक कंसेप्ट आता है आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स। चल आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोटोप्स क्या होते हैं, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास, सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, तो उसे क्या कहा जाएगा, आइसोटोप्स। याद भी रखना एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं ये, तो आपको ये याद भी रहना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, आपका कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर 12 भी हो सकता है, 6 एटॉमिक नंबर मास 13, 6 एटॉमिक नंबर 14, C12, C13, C14 के नाम से इन्हें जाना जाता है। नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या लिखा जाता है, मास नंबर। क्लियर हो गया, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर आपका क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। इस तरीके से एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर इसका बदलता चले गया, ठीक है। कोई डाउट, ये इस तरीके से आपको याद रखने हैं, ये आपके आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं ये, क्या डिसाइड करते हैं, ये एटॉमिक मासेस को डिसाइड करते हैं। अगर किसी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं तो वो भी डिसाइड करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट में आते हैं। हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, आर्गन आपका क्लोरीन के, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास आइसोटोप्स मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के बट हैव डिफरेंट मास नंबर। एटम तो होंगे सेम एलिमेंट के और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। क्लियर है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स। यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो आइसोटोप्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अभी अगर आपने रिसेंटली सुना भी होगा, एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि चाइना में मून में एक आपको आइसोटोप मिला है उन्हें, हीलियम का, हीलियम का एक आइसोटोप मिला है जो कि फ्यूल की, जो हमारी जो फ्यूल है, क्लीन फ्यूल हमें बात कर रहे हैं, कोल की तरह नहीं जो पोल्यूशन करता है वो नहीं, क्लीन फ्यूल के लिए वो सबसे बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है। मतलब उससे एनर्जी इतनी ज्यादा यूज निकलती है कि आप उससे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज को आप आराम से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स आर वेरी वेरी यूजफुल नाउडेज, ये क्लीन एनर्जी के सोर्स के यूज होती है। आपका कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो उनकी कीमोथेरेपी होती है उनमें भी ये यूज होता है, तो वहां पे भी आइसोटोप्स की हेल्प की जाती है। क्लियर हो गया। कभी आपसे पूछा जाए व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, तो लिख सकते हैं फॉर एनर्जी जनरेशन, फॉर कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट, इस तरीके से मेडिसिन प्रिपरेशन, मेडिसिन की जो प्रिपरेशन होती है उसमें भी ये यूज होता है, तो इस तरीके से होते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं दैट इज आइसोबार्स। ये तो हो गया आपका आइसोटोप्स। नेक्स्ट जो होता है आपका आइसोबार्स, आइसोबार्स। अभी आइसोबार्स क्या होते हैं, ये क्या बोला है, आइसोबार्स क्या होते हैं,
these are atoms of different elements having same mass number, but different atomic number. ये उसका उल्टा है, वहां पे क्या था, एटॉमिक नंबर सेम थे, मास नंबर डिफरेंट था, यहां पे मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहता है हमारे पास, कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, आर्गन का है 18, लेकिन मास दोनों का 40-40 ही है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स। ये क्या हो जाते हैं, आइसोबार्स होते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीज आपके में है इंपॉर्टेंट है, एक आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया। इसी तरीके से एक और होता है, आइसोटोन्स होते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं, बेसिकली आइसोटोन्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें ए माइनस जेड, जैसे हमने बात करी ना, ए माइनस जेड, ए इज मास नंबर और जेड इज द एटॉमिक नंबर, इन दोनों का अगर डिफरेंस जिन एलिमेंट्स में सेम होता है उसे क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोन्स, ठीक है। अगर कभी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, आपको मास नंबर से माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी अगर दो एलिमेंट्स में सेम है तो वो आइसोटोप्स हो जाएगी एक दूसरे के, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा आइसोटोप्स, आइसोबार्स समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी एक कंसेप्ट आता है मास निकालने का, मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। हम ये यहां पे एलिमेंट का मास निकालना नहीं सीखेंगे अभी, हम यहां पे एक चीज समझेंगे कि अगर हमारे पास, सपोज करिए हमारे पास एक एलिमेंट है ना, एक्स एलिमेंट है, वो इकलौता ही पाया जाता है, उसका कोई आइसोटोप्स नहीं है, उसका कोई आइसोटोप नहीं है, तो उस एलिमेंट का जो मास है वो ही क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा उस एलिमेंट की वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर हम उसका मास जो है वो ही मानेंगे, क्लियर। जैसे लिख देते हैं इसका, इफ एन एलिमेंट डू नॉट हैव एनी आइसोटोप, इट्स मास इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक मास, उसे ही क्या कह दिया जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है, ठीक है। बट अगर इफ एन एलिमेंट हैज आइसोटोप, अगर उसका आइसोटोप है, देन द मास ऑफ द एलिमेंट, जो मास है उसका एलिमेंट का, एलिमेंट इज एवरेज ऑफ, ठीक है, ये जो होता है एवरेज में लिया जाता है, फिर आपका एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस, तो जो उसका मास होगा वो एवरेज लिया जाएगा एटॉमिक मासेस का, और एवरेज ऐसा नहीं सिंपल एवरेज, इट इज वेटेड एवरेज लिया जाता है, ठीक है। उसको हम समझते हैं कैसे होता है, तो हमें समझ आ गया, अगर एक एलिमेंट है उसका कोई आइसोटोप नहीं है तो उसी का मास कंसीडर किया जाएगा एटॉमिक मास में। बट अगर सपोज करो कि उसका आइसोटोप का, उसके पास आइसोटोप है, तो उसके आइसोटोप्स का भी मास क्या किया जाएगा, कंसीडर में लिया जाएगा, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में समझते हैं हम, अगली हेडिंग है हमारी एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। सपोज करिए एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, उसका उसके दो आइसोटोप हैं, दो आइसोटोप क्या है, एक है ए मास वाला और एक है बी मास वाला, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसके बारे में लिखते हैं, इसका मास कितना है, मास है ए और इसका मास है बी,
और ये ना नेचर में कितना पाया जाता है, परसेंटेज अवेलेबल, मतलब अगर एक एक अगर मैं सैंपल ले लेता हूं, अगर मैं नेचर से या एक स्पेसिमेन ले लेता हूं, उसमें ये कितना परसेंटेज में पाया जाता है, तो उसको अगर हम समझे तो हमारा ये परसेंटेज है ना कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन है उसका, कितना पाया जाता है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया इसका एक्स परसेंट पाया जाता है और ये वाई परसेंट पाया जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है, सपोज करिए एक अभी दो है हमारे लिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें करना है वेटेड एवरेज का कंसेप्ट तो लगाना है, सिंपल करते हैं समझ लेंगे। हमने बोला हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास है ए, एक का मास है बी, जैसे हमारे पास C12, C13, C14 थे, तो एक का मास था 12, एक का 13 था, एक का 14 था, तो ऐसे ही इनका एक का मास ए है, दूसरे का मास है बी, क्लियर। अब ये जो ए वाला आइसोटोप है वो एक्स परसेंट पाया जाता है, एक्स परसेंट मतलब देखो दोनों मिला के तो 100 पाए जाएंगे, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स वाला जो ए वाला पार्ट है, ए वाला मास वाला जो है वो एक्स परसेंट पाया जाता है, दूसरा वाई परसेंट पाया जाता है, तो इनका जो अब जो अटोमिक वेट बनेगा वो क्या होगा, तो उसके लिए हम बात यूज करेंगे एवरेज अटोमिक वेट या अटोमिक मास, मास कह लीजिए। तो इसको करने का तरीका देखिए, इसका मास इंटू इसकी परसेंटेज, इसका मास इंटू परसेंटेज प्लस दूसरे का मास उसकी परसेंटेज, दूसरे का मास उसकी परसेंटेज, ठीक है, अपॉन 100, अपॉन 100। ये करते ही आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, समझ आ गया होगा, सिंपल है। पहले का मास उसकी परसेंटेज प्लस दूसरे का मास उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। परसेंटेज में आपको ये कन्वर्ट, मतलब अगर दे रखा होगा तो परसेंटेज में, तो उससे कर सकते हैं, आपको करना है इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर नहीं है परसेंटेज में, रेशियो में दे रखा है, तो रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रेशियो में लिखना पड़ेगा, ये तो हो गया परसेंटेज की फॉर्म में। अगर सपोज करो रेशियो में है, चलो रेशियो में भी समझा सकते हैं, पहले परसेंटेज का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमने बात करी हमारे को, हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन दो आइसोटोप्स में पाया जाता है, एक है आपका क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37, दो है इसके आइसोटोप्स, ठीक है। तो इसका एक का मास कितना हो गया 35, दूसरे का मास हो गया 37। अब जो ये क्लोरीन वाला, ये पहला वाला है, ये नेचर में परसेंटेज में पाया जाता है आपका 75%, कितना पाया जाता है 75%, ये वाला बहुत कम पाया जाता है 25%, आपको देखना है 75 + 25 100 हो गया है, ठीक है। तो इसका इसका मास कितना होगा, तो इसका मास कितना निकल के आएगा वो देखते हैं। पहले का मास 35 इंटू उसकी परसेंटेज 75%, परसेंटेज 75 है तो 75 लिख दिया, ऐसी अगला प्लस 37 इंटू 25 ये उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ये आपका इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करिए 35 और इस तरह से 75 और 35, ये आपका आ गया 2625, ठीक है। प्लस अगला है 25 करेंगे हम सीधा 37 से 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, हाँ 7 + 5 = 3, 5 + 15 + 3 = 18, 14, 1, 6, 7, 8 + 4 = 12, 7, 8, 9, तो 925 हमने यहां लिख दिया, ठीक है। ये दोनों हो गए डिवाइडेड बाय 100, चलिए कर लेते हैं 5 + 5 = 0, 1, 4, 5 हो गया, 26 + 9 = 35, 35 / 100 ये हो गया आपका 35.5। तो क्लोरीन का अगर आप मास देखेंगे वो कितना होता है 35.5 होता है, क्लियर हो गया होगा, अगर परसेंटेज में दिया है तो इस तरीके से करना है। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें रेशियो में दे रखा है,
इसी क्वेश्चन में अगर उसने बोला ऐसा नहीं है, आपको रेशियो में दे रखा है, सेम क्वेश्चन रेशियो में अगर दे दिया जाए, रेशियो में क्या है इसका, हमने अगर क्या करा, उसने वो ये बोलेगा कि ये यहाँ पर 3:1 में पाया जाता है, किसे पाया जाता है, 3:1 में पाया जाता है। इसको करने का तरीका क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास पहले वाले का इंटू उसकी कितना रेशियो में पाया जाता है 3, प्लस मास दूसरे वाले का इंटू जो उस रेशियो में पाया जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, टोटल दोनों को ऐड कर दीजिए, 3+1 = 4, तो 5 × 15 = 9, 10, 7 × 7 = 3/4, 7+5 = 12, 2 = 4, 142 = 4, 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12, 22 बना आपका, 4 × 5 = 20, 20 ये हो गया, इससे भी आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। अगर रेशियो में है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, रेशियो में क्या करना पड़ता है, इसका अपॉन मतलब 35 का मास इनटू उसके परसेंट मतलब रेशियो में, इसके रेशियो से प्लस 37 इनटू उसका रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल ऐड कर दो, तो उसका आपका इस तरह से निकल जाता है। इसे कहा जाता है वेटेड एवरेज, इसे कहा जाता है वेटेड एवरेज, और इस तरीके से आपके एवरेज एटॉमिक मास निकलते हैं। समझ आ गया होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको क्या होगा, एलिमेंट दिया जाएगा, उसका एटॉमिक मास दिया जाएगा और उसकी परसेंटेज दी जाएगी, तो उस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलिए इसके बाद हमारा जो आता है आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया, एटॉमिक, हमें एटॉमिक नंबर समझ आ गया और एटॉमिक मास नंबर समझ आ गया। अब एक कंसेप्ट आता है वैलेंसी का, एक है वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी, अब आता है वैलेंसी। देखिए होता क्या है, हमने एक चीज देखी है, जब भी एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाने जाते हैं, जब मॉलिक्यूल बनाने जाते हैं, तो उसमें जो रिएक्शन में उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्ट लेते हैं, मतलब जो एटम है उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अपने पास ही इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन जो बाहर वाले हैं ये बाहर एक्सचेंज या फिर इनटेक होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बढ़ते घटते हैं, तो ये चीज देखी गई। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन्हें एक नाम दिया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसको अगर समझे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल में जो पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन्हें क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है, इसी कंसेप्ट से, इसी चीज से कंसेप्ट आया वैलेंसी का। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया, ऐसे लिखते हैं, डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड वैलेंसी। इसे एक और तरीके से कहा जाता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ एलिमेंट टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है कि एक एलिमेंट जो है आपका वो कॉम्बिनेशन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने एक्सेप्ट कर लेगा, उसे क्या कहा जा रहा है, वैलेंसी कहा जा रहा है, ठीक है। तो कितने एक्सेप्ट करेगा, कितने डोनेट करेगा, उसकी वैलेंसी पर डिपेंड करता है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में, जो हमने आज पढ़ा है उनको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में समझ लेते हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए हम समझते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, तो पहले तो ये याद होने चाहिए, सीक्वेंस में याद होने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए आज अभी हम पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, सबसे पहले यहां पे होता है हाइड्रोजन, फिर इसी के सामने बिल्कुल अगला एलिमेंट आता है हीलियम, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया वो हीलियम, फिर आता है लिथियम, बेरिलियम,
इसके बाद बीच में ना एक गैप होता है जिसमें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमें अभी पढ़ने नहीं है, हमें उनको कंसिडर में नहीं लेना है, हम बात करेंगे सीधा पी ब्लॉक से। यहां पे अब गैप होता है, ठीक है, यहां पे आपके आ गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये आपके इस तरह से एलिमेंट हो गए। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए हम बात करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर अगला एलिमेंट आ जाता है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर हमारे जो नेक्स्ट है दो वो है पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए कौन कौन से, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिल, आपको यहां से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके आपको याद होने चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पे आपका आर्गन, फिर आपका पोटेशियम एंड कैल्शियम। इस तरीके से आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्या है, आपको एक चीज थोड़ा समझा देते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन, ये जो सारे हैं ना, ये सब फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फिर ये 13 से स्टार्ट होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये ग्रुप्स हैं, ये जो हम लिखे हैं 1, 2, 3, 4 वाले जो ऊपर लिख रहे हैं वो ग्रुप्स हैं। फर्स्ट सेकंड और 13, 14, 15 स्टार्ट हो जाता है, बीच में जो है वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो हमें पढ़ने नहीं है, ठीक है। इन सब की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, वो 2, यहां हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एटॉमिक नंबर याद हो गए, सीक्वेंस में लिखना है, इसमें कोई बड़ी चेंज नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसके मास नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मासेस सेम ही होते हैं, ठीक है, वैल्यू सेम होती है, तो आपको भी याद करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन की 1, हीलियम का 4, ठीक है, लिथियम का आपका 7, बेरिलियम का आपका 9, बोरॉन का आपका 11, कार्बन 12, 14, फिर 16, फिर आपका 19 और लास्ट ये आएगा 20, ठीक है। इनको सीक्वेंस, इसको थोड़ा सा ट्रिक कह सकते हैं याद करने के लिए, जितने भी एटॉमिक नंबर है आपका उसका टू टाइम्स कर दीजिए, डबल कर दीजिए, और उसी के आसपास एक होगा नंबर, ये वाला जो नंबर होगा वो आपका डबल करने से आसपास होगा, या तो वो एग्जैक्ट वही नंबर होगा, जैसे 6 का डबल किया 12, 7 का 14, 8 का 16, या फिर 5 का डबल किया 10 और 1 बढ़ा दिया 11, 4 का डबल किया 8, 1 बढ़ा दिया 9, 3 का डबल किया 6, 1 बढ़ा दिया 7, तो या तो एक नंबर ज्यादा होगा या फिर एक नंबर या तो उसी के इक्वल होगा, ठीक है। सोडियम का होगा 23, 11 का 2 से मल्टीप्लाई किया 22 हो जाएगा, प्लस 1 23, मैग्नीशियम का 24, 13 का ट्वाइस किया 26, 1 बढ़ा दो 27। अब ये बात आती है कि कैसे याद होगा कि कौन से में बढ़ाना है कौन से में नहीं बढ़ाना, प्रैक्टिस, इसको आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा, आप एक बार एक दो बार लिखेंगे अपने आप ही हो जाएगा याद आपको, ठीक है। सिलिकॉन 14 का ट्वाइस का 28 है ना, तो ये 29 हो गया। फॉस्फोरस 15 टू 30, 30 का एक ज्यादा 31, सल्फर 32 हो जाता 16 का डबल, इसका होता है 35.5, ये क्लोरीन का अभी हमने निकाला भी था तो इसका 35.5, ये एक्सेप्शन है, 18 का 40 हो जाता है डायरेक्ट, कैल्शियम का भी 40 होता है और इसका 39 होता है, इसका 39, ये आपके एटॉमिक मासेस भी हो गए इसके, ये एटॉमिक मास नंबर भी हो गए। वैलेंसी के लिए बहुत आसान है, ये जो फर्स्ट है इन सब की वैलेंसी होती है प्लस 1, सेकंड वाले की प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, इनकी वैलेंसी इस तरह से ही याद रहती है। एक फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन है, इसकी इसके पास दो वैलेंसीज होती हैं, फॉस्फोरस के पास माइनस 3 भी होती है और प्लस 5 भी होती है, ये हो गया, ठीक है, ये आपका वैलेंसीज के बारे में हो गया, ठीक है। दो वैलेंसीज इस तरह से होती है, अब इस वैलेंसी को अगर आपको निकालना कैसे है, इसको समझते हैं निकालते कैसे, ठीक है, आप अगर इस तरह से याद कर लेंगे तो आपको वैलेंसी सीधा याद हो जाएगी, फिर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको कभी सपोज करिए एक एलिमेंट दे दिया जाए और उसकी वैलेंसी निकालनी है, तो उसके लिए सिंपल तरीका है, आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए,
आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, अगर नंबर पता है तो आप उससे कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने बोला एक एलिमेंट है, मुझे नहीं पता कौन सा है, 17 उसका एटॉमिक नंबर है, कितना है 17 इसका एटॉमिक नंबर है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभी सीखी थी लास्ट लेक्चर में, हमने बात करी थी कि बोहर जी ने कैसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, वो समझ आता है, चलिए फिल कर लेते हैं। प्लस फिर हमने बनाए के एल एम एन, ऐसी ऑर्बिटल बना दी अंदर, ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन, ये तो हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने फिल करेंगे, दो, पहले वाले में दो, नेक्स्ट वाले में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने भर दिए हमने, 10 भर दिए, बचे कितने 7, तो आउटर मोस्ट में कितने बचे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ठीक है। अब हमारे को ये याद रखना है, हमारे जो एटम्स होते हैं वो हमेशा अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, कितने रखना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं। वैलेंस निकालने का तरीका समझिएगा, हमेशा जो एटम है वो चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए हमारे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब इसके पास कितने हैं 7, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं चाहिए, तो ये बोलेगा भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। जब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव, और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जब नेगेटिव चीज को लेता है तो उसके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसकी कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक, तो नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी -1, वैलेंसी कितनी हो जाएगी -1, क्लियर हो गया, समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, क्लियर। एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये हमारे फर्स्ट क्या हो गया, 10 एलिमेंट्स हो गए। कॉन्फिगरेशन इसी रख देते हैं के एल एम एन, ये हमें पता है, कल हमने एक फिल करी थी, इसको 1 होता है इसमें 2 हो गया, 1 इसमें 1 यहां पे आ जाएगा, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 और 2, 8, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे, इसके पास जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल करना है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 10, तो 8+2 10, 7+2 9, ये ऐसे है, तो ये हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिल कर दी, ठीक है। अब आती है बैलेंसीज के लिए, समझते हैं बैलेंसीज कैसे निकालेंगे। वैलेंसी, वैलेंसी सिंपल है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक, के में कितने भर सकते हैं 2 भर सकते हैं मैक्सिमम, तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दोनों ऑप्शन है। तो हाइड्रोजन जो है ये स्पेशल केस होता है, इसके पास 2 वैलेंसी होती है, या तो +1 रख लो नहीं तो -1 रख लो, दोनों चीजें कर सकते हो, या तो आप इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लो या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो, दोनों में से कोई भी केस कर लो, ठीक है। हीलियम, हीलियम में कितने होने चाहिए यहाँ पे, के में 2 होने चाहिए, 2 के 2 भरे भरे हैं, कोई दे नहीं सकता, कोई देने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, कंप्लीटली फिल्ड है, अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता तब तो लेन देन होगा, तो या तो कंप्लीटली फिल्ड है तो इसकी वैलेंसी होती है 0, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। हाइड्रोजन की कितनी होगी +1 या -1, इसकी होगी 0। अगले वाले के आते हैं, इसमें कितने आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, चाहिए कितने 8, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, है अभी एक ही, तो इसके पास ऑप्शन क्या है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे बाहर, बोले यार मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले जाओ, या फिर बोले मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, 7 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की बात है, 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी मिल लगती है, 2 में उससे ज्यादा एनर्जी, 3 में और ज्यादा, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल है, 7 इलेक्ट्रॉन से ले ही सकता ये, तो ये क्या करता है, खुशी खुशी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव है, जो अगर अंदर से अपनी नेगेटिविटी निकाल रहा है तो खुद क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी होती है +1, कितनी होती है +1। ऐसी हम आते हैं इसके लिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में 2, या तो 8 करने के लिए कितने चाहिए 2, या तो 2 दे दो या फिर अगले 6 ले लो, 6 लेना मुश्किल, 2 देना आसान, तो ये 2 दे देगा और क्या बन जाएगी इसकी वैलेंसी +2। ऐसी सिमिलरली 3 के लिए, या तो 3 दे दो या फिर बचे हुए आपको कितने चाहिए 8 करने के लिए, 8 करने के लिए आपको चाहिए 5, तो 5 ले लो, तो ये भी अगली बात आ जाएगी, 5 लेने में बोले एनर्जी ज्यादा चाहिए
तो ये तीन दे देगा फोर वाले के लिए, फोर वाले के लिए बढ़िया चीज है, या तो चार दे दो या चार ले लो। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, ये चार इलेक्ट्रॉन देना ना देना मुश्किल हो जाता है, तो यहां पे होती है शेयरिंग। ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और इस शेयरिंग की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग अलग है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये समझना है ये चार इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, चार इलेक्ट्रॉन देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी एसोसिएटेड होती है। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल काम करते हैं, चार में से शेयरिंग कर लेते हैं, मतलब मैं नहीं दूंगा, तू भी, तू और मैं दोनों एक साथ शेयर करते हैं, है ना, कोई डोनेशन नहीं हो रहा, कोई एक्सेप्शन नहीं हो रहा, बस शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग से चल रहा है काम फोर वाले में। अब आते हैं फाइव वाले में, आउटर मोस्ट में पांच है, तो इसको या तो आठ करने के लिए तीन चाहिए या तो पांच दे दे, पांच देगा तो लॉस ज्यादा है, तीन आसानी से ले सकता है। अब ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, उसको ले रहा है, तो जब ले रहा है तो ये हो गया माइनस के थ्री। सिमिलरली सिक्स है, सिक्स को क्या करना पड़ेगा, एट बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे टू, सेवन के लिए वन, और एट के लिए, एट के लिए कोई जरूरत ही नहीं जीरो। तो इसका पैटर्न ऐसा बन जाता है, प्लस जीरो प्लस माइनस वन हो गया जीरो, वन टू थ्री फोर, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, जो हमने ऐसे बनाया था, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, जो हमने पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में जब हमने समझाया था, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपको क्या निकालने को मिलता है, वैलेंसीज। आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की तो याद होनी ही चाहिए, इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसीज जरूरत पड़ती है। जब आप मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं तब भी वैलेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। हमने चैप्टर थर्ड में पढ़ा था जिसमें हमने बात करी थी, अगर हमें कोई कंपाउंड है मैग्नीशियम और क्लोरीन से रिएक्ट कराना है तो उसकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे, है ना। तो हमें ये वैलेंसीज तो थी, तो वैलेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंसीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जब आप मॉलिक्यूल की रिएक्शन, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं या रिएक्शन करते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा वैलेंसीज कैसे निकालते हैं। आप कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है चार से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और अपनी वैलेंसीज ले लेगा, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन। अगर चार से कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वैलेंसी ले लेगा, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। अगर वो कंप्लीटली फिल है वैलेंसी हो जाएगी जीरो, और अगर वो हाफ फिल है फोर के बराबर है तो शेयरिंग करेगा और वैलेंसी रखता है प्लस फोर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा ये चीज। तो आपका ये चैप्टर खत्म होता है, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू।